Please subscribe our movie channel and click the bell button for more movies. You can comment, like and share our movies. क्या तुम्हें विक से लहरों का ताजा अनुमान मिला? नहीं सर, मॉनिटरिंग स्टेशन का सिग्नल उड़ गया है। ये बताओ कि सिग्नल जाने से पहले आखिरी रीडिंग क्या थी? क्या इसमें जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोशिशों के बावजूद जानमाल का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। माइन के पूर्वी समुद्री तट के निवासियों को अपने घर के आगे से लाशें उठानी पड़ रही हैं। तूफान जो ग्रेट लेक्स को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। कुछ ही दिन बचे हैं। तुम्हारे पापा तुम्हारे वहाँ पहुँचने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ मेल। लोग बेघर हो गए हैं, मेल हो गए हैं। ये प्रकृति का सबसे बड़ा तांडव माना गया। उसने तो फोन काट दिया। प्रकृति के तांडव के आगे ऐसा तो उसने पहले कभी नहीं किया था। बेघर हो गए। कोशिशों के बावजूद जानमाल और चाय लोगी प्लीज। चाय के अलावा और कुछ सोचता है आपको? चाय की जगह बिस्किट चलेंगे। दरवाजे से पानी आ रहा है। मारी डालेगी। मैंने उसे वादा किया था कि तुम टाइम पर पहुंच जाओगे। अब तो हमें जल्दी चलना चाहिए।
तुम्हें इसे फिर से देखना होगा। नॉर्दर्न सी में दबाव बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रेस ऑफिसर्स को आगे की जानकारी चाहिए। हमसे हर कोई सवाल पूछ रहा है। मुझे शिप्स पर ताजा जानकारी भेजनी है। ओके, सब लोग शांत हो जाइए। इस तूफान पर कुछ दिनों से हमने नजर रखी हुई है। मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। वो किस तरफ आ रहा है, कितनी तेज है। मुझे उत्तर पूर्व के लिए ताजा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिपोर्ट्स दो। यस सर। और वो भी जो तुम्हें ब्रिटिश ओशियनिक डेटा सेंटर से मिली है। 40 मिनट में मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट देनी है। बैरियर को 1983 में शुरू किया गया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी ज्वार भाटा से बचने की स्थिर योजना है। इसके 10 मूवेबल गेट्स हैं जो नदी में 500 मीटर तक फैले हुए हैं और इसमें करोड़ों गैलन पानी स्टोर करने की क्षमता है। इसी वजह से आप रातों को चैन की नींद सो पाते हैं। गुड मॉर्निंग समांथा मॉरिसन, आप जा सकते हैं। मिस मॉरिसन, ये आपके लिए आया है। थैंक यू। कैसे हैं फ्रैंक? ठीक हूँ। न्यूज़ देखी? अगर आपका मतलब फुटबॉल से है तो छोड़िए। मेरा मतलब उससे नहीं है। तब आपका मतलब जरूर इससे होगा। इसमें मॉरी और एबरडीन में आए ज्वार भाटे के आंकड़े हैं। स्कॉटलैंड में इस तूफान का कोई असर नहीं दिख रहा। ज्वार भाटे को 10 घंटे हो गए हैं। ये लंदन ब्रिज पर कब तक पहुंचेगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? अब तक मैं देखती हूँ कि इसको रोकने के लिए हम क्या जरूरी कदम उठा सकते हैं। ठीक है। यहाँ खतरा लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद यहाँ विक में बचाव कार्य जारी है। वायुसेना को बचाव के लिए बुला लिया गया है, लेकिन राहत कर्मियों से कहीं ज्यादा संख्या उनकी है जिन्हें राहत चाहिए। छतों पर और ऊंचाइयों पर बहुत से लोग निस्सहाय खड़े हैं। विक से आए ताजा आंकड़ों से पता चला है कि 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग गायब हैं। इन आंकड़ों के बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। हमें समुद्र तट के आसपास की रिपोर्ट का इंतजार है। अभी कुछ ही मिनटों में ऑस्ट्रेलिया से मुझे प्रधानमंत्री का फोन आने वाला है, इसलिए मुझे इस बात का एक बढ़िया जवाब चाहिए कि हमारे पास कोई चेतावनी क्यों नहीं। जी, ये वैसा ही तूफान है ना जैसा अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर आया था। अनुमान लगाना विज्ञान नहीं होता। ये वही तूफान तो नहीं है जिसका पता तुम पिछले 5 दिनों से लगा रहे थे। तूफान लगातार मिजाज बदल रहा है। तुम्हारे पास मॉडल्स है ना? बिल्कुल है सर। जब कोई भी तूफान इतनी तेजी से बढ़ रहा हो तो वैज्ञानिक तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या करने वाला है। जैसे ही हमारे पास नया डेटा आता है वो पुराना हो चुका होता है। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? वैसे उपलब्ध डेटा के अनुसार तूफान नॉर्थ सी के उत्तरी पूर्व हिस्से से वापस जा रहा है, तो अब ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर हकीकत ये है कि तुम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये तूफान क्या करने वाला है ना? लेकिन इस पर मुझे पूरा भरोसा है सर। विक के 50 मील के दायरे तक सारी तत्कालीन सेवाएं भेज दो और समुद्र से बचाव के लिए विक के नीचे जितने भी साधन उपलब्ध हैं उनका इस्तेमाल कर लो। सबको पहले ही भेज दिया गया है। बहुत अच्छे, चलो जो हमसे हो सकता है वो करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार तुम्हारी बात सही हो। Hi Dad, बस मैंने आपको याद दिलाने के लिए फोन किया है कि आज आपकी नाती का नामकरण है। हाँ, मुझे याद है। देर मत करिएगा। और Dad, वो क्या है ना कि रॉब भी आ रहा है। अच्छा? हाँ, मुझे लगा वो नहीं आएगा, लेकिन मैं आ तो जाऊंगा, पर तुम्हें लगता है ऐसा करना ठीक रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा। रॉब को मालूम है कि मैं भी आने वाला हूँ। डैड, मैं और मेरी बेटी चाहते हैं कि आप यहाँ जरूर आए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, आपको आना ही होगा। डैड प्लीज। ठीक है, आ जाऊंगा। देर मत करिएगा। मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और सब कैसा चल रहा है? वैसे हम यहाँ स्कॉटलैंड में बदलते मौसम के आदि हो चुके हैं, लेकिन ये कुछ अजीब था। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसकी हमें कोई चेतावनी क्यों नहीं दी गई? सर, आप जानते हैं कि आज हमने किन विपत्तियों का सामना किया है? अब नहीं, नहीं, मैं नहीं जानता। क्या आप हमें कोई सलाह देना चाहेंगे?
तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्रिस्टी है। क्रिस्टी, बहुत खूबसूरत नाम है, बहुत प्यारा नाम है। के बारे में क्यों नहीं बताया गया? वेंट ऑफिस के हॉपकिंस और एनवायरमेंट एजेंसी के फुलर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो जितनी जल्दी हो सके। हर एक आदमी का जवाब चाहिए मुझे। हाय केट। हाँ हाँ, मुझे पता है, जो मदद चाहिए मिलेगी। ठीक समय पर आए। ओके बाय, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ जी के लिए इतना भी टाइम नहीं है। बस अच्छा मामा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं बस ऐसे ही। हम ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें जीने के लिए, ताजा रहने और तमाम उम्र साफ सुथरा रहने के लिए पानी दिया है। दुनिया की शुरुआत में पवित्र आत्मा पानी के ऊपर से ही गई थी। पानी के द्वारा ही आप इसराइल के बच्चों को मिस्र की गुलामी से प्रॉमिस लैंड की आजादी तक ले गए। पवित्र आत्मा ने योहान पर पवित्र पानी छिड़का और खुद ही उनका नामकरण किया और उनका नाम रखा मसीहा, यीशु ख्रिस्त। परमेश्वर, ये पवित्र पानी देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। बच्चे का नाम क्या रखा है? एल्सा एमेलिया। आपका आशीर्वाद सदा इसके साथ रहे, बुरी आत्माओं से इसकी रक्षा करे। मैं तुम्हारा नाम एल्सा एमेलिया रखता हूँ। हम ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं और तुम हजारों साल जियो। पवित्र आत्मा की मेहर हो, आमीन। खुश रहो। रॉब, केट, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो भी यहाँ होंगे? मैं तुम्हें बता देती तो तुम यहाँ नहीं आते। मैं चाहती थी कि तुम दोनों आओ। मम्मी के देहांत के बाद तुम दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मेरे ख्याल से आखिरी बार मैंने उन्हें अंतिम संस्कार के वक्त देखा था। मेरी बेटी को नाना की जरूरत है, वो उसका हक है। रॉब, ये एक नई शुरुआत है। मैं चाहती हूँ हम पुरानी बातें भूलकर एक परिवार की तरह रहें। बिल्कुल, एक परिवार। तुम्हारा मतलब है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हो तो हमें साथ रहना चाहिए, है ना? रॉब, तुम बात को समझने की कोशिश करो। वो एल्सा के साथ कितने खुश थे। डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। केट, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता है। हाँ ना? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन आज का दिन अच्छा नहीं। हालत अभी और खराब होने वाली है, तुम्हें बैरियर पर जाना होगा। क्या? वो लोग आज रात गेट बंद कर रहे हैं। लेकिन एक परेशानी है और उसके लिए तुम्हें तुरंत जाना होगा। थैंक यू रॉब। मैं किसी और को नहीं भेज सकती। हाँ, लेकिन मेरा मतलब सैम तो है ना? किसी को तो वहाँ जाना ही होगा, हमारा उनसे कॉन्ट्रैक्ट है। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुमने किसी और से शादी नहीं की है ना? वैसे किसी से तो की होगी, बताओ ना। अच्छा मजाक है, मैं तुम्हारा बिजनेस चलाने में बहुत बिजी हूँ। टैक्सी आ रही है, बाय। हाँ थैंक्स। नहीं, सब ठीक तो है जी? हाँ। नहीं नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। ठीक है। अब रॉड से कुछ और खबर मिली है। ओह थैंक्स। इंस्पेक्टर हेनरिक के मॉम ने फिर से आपके लिए कुछ केक्स भेजे हैं। तुम इन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाती? मुझे नहीं लगता वो मेरी सेहत बनाना चाहती हैं मैडम। पेनी, पेनी, क्या तुम समांथा मॉरिसन को बैरियर पर ले आओगी? ले आऊंगी। इंग्लिश तट से आ रही खबरों के कारण हमें ये प्रोग्राम यहीं रोकना पड़ रहा है। आज सुबह जिस खतरनाक तूफान ने विकिंगम रोड पर तबाही मचा दी थी, वो अभी उसी रफ्तार से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। स्कॉटलैंड में बर्बादी की निशानियां छोड़कर अब ये तूफान उत्तरी इंग्लैंड के समुद्र तट पर बसे गांवों को बर्बाद कर रहा है। वेलकम। लेनार्ड मॉरिसन। हां प्रोफेसर मॉरिसन। बहुत समय के बाद फोन किया। हां सही कहा। मुझे आपसे एक काम है। अभी ये सही वक्त नहीं है प्रोफेसर, बॉस बहुत गुस्से में और हम इस तूफान से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पर क्या आप मुझे एबरडीन के दक्षिण में ज्वार भाटे के आंकड़े ईमेल कर सकते हैं? 2 मिनट लगेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ इन आंकड़ों का आप क्या करने वाले हैं? इससे मेरे काम की जरूरत समझ लीजिए। सच कह रहे हैं क्या? अगर मुझे इनकी जरूरत नहीं होती तो मैं इन्हें क्यों मांगता?
यहाँ उत्तरी पूर्व इलाके में तूफान का कहर जारी है। स्कॉटिश समुद्र तट के कुछ हिस्सों में भी हवाओं की रफ्तार 90 मील प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। जी, एक मिनट रुकिए। यूएस फेडरल बैंक के चेयरमैन मिस्टर मॉयज, आप स्पीकर फोन पर हैं। आर्थर, आपके यहाँ आई त्रासदी के बारे में जानकर दुख हुआ। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ आर्थर, और आपकी इस बात को प्रधानमंत्री तक पहुँचा दूंगा। आप ये बात जरूर जानते होंगे कि मार्केट रातों रात 40 पॉइंट और नीचे गिर गई है। मेन में तूफान से हुए नुकसान को देखकर यहाँ के लोगों का भरोसा टूट गया है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे बड़े खिलाड़ी आ गए हैं जो स्टॉक के एक बड़े हिस्से को बेच रहे हैं। ये सब सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है आर्थर, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इंसानों को तबाही से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपको आर्थिक आपत्ति से भी निपटना पड़ सकता है। कुछ लोगों ने मिलकर यूके स्टॉक को सस्ते में बेचना शुरू कर दिया, ये भी चिंता का विषय है। थैंक्स आर्थर, बाद में बात करता हूँ। कार्यवाही की जानकारी दोगी जो इस तूफान से जुड़ी हो? बिल्कुल मैडम, जैसा कि आप जानती हैं कि स्कॉटलैंड में आए ज्वार भाटे के कारण काफी नुकसान हुआ है। एहतियात बरतने के लिए हमें अपने ऑफिसेस बंद करने पड़ रहे हैं। फिर भी अगर कोई खबर मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। थैंक्स पेनी, मेट के ऑफिस में फोन लगाओ। अभी लगाती हूं। मैं यकीन दिलाता हूं कमिश्नर, इस पर आपको हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। मुझे हर पल की जानकारी चाहिए। मैंने आपको ताज़ा जानकारी ईमेल कर दी है। आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, आगे भी जानकारी भेजते रहेंगे। प्रोफेसर, मैं थोड़ा बिजी हूँ दरअसल। मेरी बात सुनिए, ज्वार भाटे के पैमाने के जो आंकड़े आपने मुझे भेजे थे। हाँ, आपको नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा ही है? ये तूफानी लहर है, ऐसी स्थिति में कुछ भी हो सकता है। सारे आंकड़े मैंने अपने कंप्यूटर में फीड कर लिए हैं। अगर ये तूफान इसी गति से बढ़ता रहा तो इंग्लैंड का सारा पूर्वी समुद्री तट मुश्किल में आ सकता है। वेलकम, ज्वार भाटे का ताजा पैमाना क्या है? मुझे जाना होगा। ठीक है, थैंक्स हैना। हाय सैम। यहाँ क्या कर रहे हो? पियर वन में प्रॉब्लम है और मेरे अलावा और कोई नहीं है। क्या बात है, वैसे तुम्हारे लिए हाथ साफ करने का अच्छा मौका है। अच्छी लग रही हो। थैंक्स। मैंने सुना है बिजनेस अच्छा चल रहा है। एना अब भी तुम्हारे लिए काम कर रही है? वैसे कुछ बदला नहीं है, वो ऑर्डर देती है और मैं ऑर्डर लेता हूँ। अच्छे फूल हैं और मैं जानता हूँ आज तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है। अच्छे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं। हाँ? क्या उसे पता है तुम्हें गुलाब पसंद नहीं है? ओ, जरा इसे तो देखो, आज का दिन अच्छा है। उन्होंने मेरे लिए यहाँ बिग बॉस को भेज दिया है। कैसे हो तुम रॉब? तुम बिल्कुल नहीं बदले फ्रैंक। ओ, अच्छा है, तो हम चलें? हाँ। हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जल्दी सब कुछ बंद करने से और ये देखकर कि तुम लोगों को खाली बैठने का इतना पैसा देते हैं, मुझे लगा कि तुमसे कुछ काम करवा लूं। तुम्हारा क्या मानना है? हो सकता है खराब हो गई हो और मेन बेयरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जो इसके उठाने की क्षमता पर असर डालेगी। हाँ। हमने भी यही सोचा था। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कुछ अल्ट्रासोनिक टेस्ट करूंगा, अगर वो पॉजिटिव हुए तो। इसके पार्ट्स के लिए हमने बहुत इंतजार किया है। फ्रैंक, मैं पीट बोल रहा हूं। यहां पियर 3 के पानी के दबाव में भारी दिक्कत आ गई है, जल्दी आइए। अभी आता हूं, सॉरी मुझे जाना होगा। ठीक है। अपना पेपर ले लो, ये लीजिए आपका पेपर, बहुत बहुत शुक्रिया। तूफान तेजी से बढ़ रहा है, तूफान तेजी से बढ़ रहा है, बहुत देर हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ कि दिन ढलने से पहले मुझे आज कोई मौत की खबर तो नहीं मिलेगी। ताजा आंकड़े बताते हैं कि तूफान नॉर्थ सी के पूर्व हॉलैंड के हुक की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये तो तुमने मुझे सुबह बताया था। एयरब्रॉथ का क्या हाल है? सर, माफ कीजिए, ये तूफान वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था। क्या खतरा टल गया है, हाँ या ना में जवाब दो। ये कहना मुश्किल है सर। अगर तेज हवाएं तूफान को दक्षिण में ले जाती हैं तो बड़ी लहर ब्रिटिश कोस्ट लाइन और यूरोप के मेन लैंड के बीच में दब जाएंगी। ये पानी भरने का काम करती हैं और समुद्र के स्तर को बढ़ा देती हैं। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक स्थिति में होता है, ज्यादातर बड़ी लहरें उससे पहले ही अपनी गति खो देती हैं, वो वहीं खत्म हो जाती हैं। ऐसा हमेशा तो नहीं होता। नहीं, हमेशा नहीं। तो
तुम्हें क्या लगता है? ओ, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये काम बहुत मुश्किल है। हाँ, और तुम्हें कितना समय चाहिए? तुम्हें ऑफिस कितने बजे बंद करना है? असल में तुम्हें यहाँ से 2.5 घंटे में निकलना होगा। ओ, अच्छा, तो ये बात है, तब तो मैं जल्द से जल्द तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ हाँ पता है। ठीक है, फ्रैंक के आने तक तुम यहाँ काम कर सकते हो। हाँ हाँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। उसका नाम डंकन है, हम कई बार साथ कॉफी पीने गए हैं। वैसे मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? हाँ बिल्कुल सही, तो तुम बता क्यों रही हो? क्योंकि तुमने पूछा था। मैंने तो नहीं पूछा। क्योंकि तुम जानना चाहते थे। वो आर्किटेक्ट है। ओ वाह, इंग्लैंड 2-0 से ऊपर है। ओ, तुम तो कैनेडियन हो, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? सही कहा। 2-0। क्या ऐसा हो सकता है कि तूफान अपना मिजाज बदल दे? अगर इस तूफान ने अपना हालिया मिजाज बदला और समुद्र के स्तर पर खतरनाक उठान आ गया तो इंग्लैंड के पूर्वी समुद्र तट पर भारी बाढ़ आ सकती है। नुकसान कितना होगा? वैसे आखिरी बार हमने ऐसा ही कुछ 1953 में देखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस तूफान ने कैनवे आइलैंड में ईस्ट एंजलिया को झकझोरा था उसमें 300 लोग शहर के अंदर मरे थे और 200 लोग समुद्र के आसपास। वो बड़ी लहर 4 मीटर ऊंची थी, उसका साइज आयरलैंड जितना था। इस वक्त हमें पता है कि ये तूफान समुद्र की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, बचाव कार्य में जुट। तो मुझे बताओ कि मैं जनता को फिर से भरोसा कैसे दिलाऊंगा? थैंक यू सर। क्या प्रधानमंत्री जी का अपने कॉमनवेल्थ टूर को कैंसिल करके यहाँ आकर इस मुसीबत से निपटने का कोई इरादा है? वैसे स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, 100%। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी सिडनी से यहाँ के लिए रवाना होंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो इस मुसीबत की घड़ी में लोगों के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन ये चेतावनी पहले क्यों नहीं दी गई? जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ स्थिति को नियंत्रित करने में लगा है। मिट ऑफिस के ताजा आंकड़ों के अनुसार तूफान नॉर्थ सी की पूर्वी दिशा की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आपके कहने का मतलब है कि खतरा टल गया है? ओ हाँ, सही कहा, मेरा मतलब यही है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वक्त हमारे इंडिकेटर्स ये दर्शा रहे हैं कि हमारा समुद्री तट खतरे से बाहर है। रिसेप्शन पर एक आदमी आया है, मैंने उसे बताया कि आप बिजी हैं, पर वो मेरी बात नहीं सुन रहा। वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है। कौन है वो? अपना नाम लियोनार्ड मॉरिसन बता रहा है। सैम, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए मेरे कैबिन में चलते हैं। आज रात का ज्वार भाटा इस साल का सबसे बड़ा ज्वार भाटा होगा। हाँ हाँ, और यही वजह है कि हम बैरियर को बंद कर रहे हैं। मेरा कंप्यूटर बता रहा है कि ये तूफान और बड़ी लहर ज्वार भाटे के समय टेम्स नदी के मुंह तक पहुंच जाएगी। बैरियर को इतना कमजोर मत समझिए, उसे इसी तरह की मुसीबतों से निपटने के लिए बनाया गया है। इतने ज्यादा पानी से निपटने के लिए नहीं। सैम, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आया हूँ। क्या आपने अपनी एनवायरनमेंट एजेंसी के किसी पुराने कुलीग से इस बारे में बात की? वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। आपका मतलब है तूफान, बड़ी लहर और ज्वार भाटे का संगम बड़ा संकट ला सकता है। ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 2 घंटे पहले वो पूर्व में हॉलैंड की तरफ जा रहा था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब वो सीधा हमारी तरफ आ रहा है। कमिश्नर नैश। सैम मॉरिसन। हाय सैम, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैडम, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। प्रोफेसर मॉरिसन यहाँ आए थे, वो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर मॉरिसन ने कुछ चौंका देने वाले डेटा पेश किए हैं। इसके अनुसार ऐसा लगता है जैसे ये तूफान और आज का ज्वार भाटा टकरा सकते हैं, जिससे पानी का घनत्व इतना बढ़ जाएगा कि वो बैरियर को भी तोड़ने की क्षमता रखता है। फुलर को बुलाओ। तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है मैडम।
न्यूज में प्रोफेसर। मॉरिसन एक पर्यावरण वैज्ञानिक है, वो एक फ्लड हाउसिंग रिसर्च सेंटर में चीफ एनालिस्ट थे और पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी में भी थे जिन्होंने बैरियर की जगह ऊपर रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने रिपोर्ट की कमियों पर अपने विचार रखे थे। उनका मानना था कि बैरियर को गलत जगह बनाया गया है और उन्होंने सलाह दी कि उसे टेम्स नदी के मुख के पास बनाया जाए, समुद्र के एकदम नजदीक। इससे हम बाढ़ की समस्या से जूझ सकते हैं। आधार के तौर पर उनका ध्यान इस बात पर था कि ज्वार भाटे की किसी स्थिति के अंतर्गत बैरियर को तोड़ा जा सकता है। सैम मॉरिसन को फिर से कॉल करो। रॉब वो अभी अभी आए हैं, बैरियर के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल आए होंगे। देखो मैं जानती हूँ ये समय सही नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पापा जो भी कहना चाहते वो हमें सुनना चाहिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये तूफान दिशा बदल लेता है तो वो इस बारे में बात करना चाहते। अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तूफान बड़ी लहरों से टकरा सकता है और बैरियर उसे रोक नहीं पाएगा। हाँ, यही ना। हाँ, मैंने उनके कंप्यूटर पर इसकी संभावना देखी है, ऐसा सच में हो सकता है। यकीन नहीं हो रहा, तुम अब तक नहीं समझ पाई हो। ये एक पागलपन है, इस पागलपन ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो गलत है पर वो ये कभी नहीं मानेंगे, चाहे उन्हें इसकी वजह से अपना परिवार खोना पड़े। इसी वजह से मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था, अब मैं उनकी बात क्यों मानूं? बस एक बार अपने पापा की बात सुन लो। तुम बताओ हॉपकिंस, ताजा स्थिति क्या है? पिछले एक घंटे के अंदर अंदर इस तूफान ने अपनी गति को बदल लिया है। अब ये दोपहर के बाद इंग्लैंड के दक्षिणी पूर्वी हिस्से को चपेट में लेगा। क्या तुम साफ साफ बताओगे? हवा की रफ्तार 80 मील प्रति घंटा है, इसलिए हमें उस हिसाब से नुकसान होने की उम्मीद कर लेनी चाहिए। तुम एक बात भूल रहे हो। माफ करना प्रोफेसर मॉरिसन, ये वक्त किताबी बातों के लिए नहीं है। मेरे कंप्यूटर मॉडल के अनुसार। ओह प्लीज रहने दीजिए। मेट ऑफिस और एनवायरमेंट एजेंसी से मिले आंकड़े अब तक सही साबित नहीं हुए हैं। सॉरी प्रोफेसर, आप बोलिए। मान लो कि हवाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, मेरे आंकड़े बताते हैं कि ये तूफान और इसके साथ जो बड़ी लहरें चल रही हैं, वो इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व में और टेम्स नदी के मुख पर हाई टाइड के दौरान पहुंचेंगी। इसका मतलब क्या? पानी का घनत्व एक साथ मिलकर टेम्स बैरियर के ऊपर से आ जाएगा। तो आपके कहने का ये मतलब है कि अब सेंट्रल लंदन खतरे में है? हाँ खतरे में है, और मैं यहाँ सिर्फ एक लहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये घटना घंटों तक चल सकती है। तो क्या आप बताएंगे कि कौन से इलाके ज्यादा खतरे में हैं? जो इलाके खतरे में हैं वो हैं डॉकलैंड लाइट रेलवे, 68 अंडरग्राउंड स्टेशंस, इसके अलावा 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 8 पावर स्टेशंस, दर्जनों म्यूजियम्स और एक जगह और जहाँ आपका ऑफिस है, व्हाइट हॉल। मुझे बताओ कि इस इलाके में कितने लोग रहते हैं? लगभग 1.5 लाख लोग बाढ़ के खतरे के इलाके में रहते हैं या फिर वहां काम करते हैं। हमारे पास समय कितना है? मेट ऑफिस से जो आंकड़े मुझे मिले हैं उससे पता चलता है कि तूफान 3 घंटे के अंदर अंदर टेम्स नदी तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब आज शाम 7 बजे तक। किसी ने इसका अंदाजा क्यों नहीं लगाया? किसी ने अंदाजा लगाया था? हमें फौरन यहाँ से लोगों को निकालने का फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इस फैसले को लेने में हम जितना ज्यादा समय लेंगे जान का खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। सर शुरू करो। रॉब, यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है आप सही थे। सॉरी मैंने आप पर विश्वास नहीं किया, बल्कि काफी चीजों के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। घंटे में वापस आ रहा हूँ और आकर सारे पैसे वापस जीत लूंगा। आओ जैक, चलते हैं। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि अपना सामान अपने साथ रखें। अगर कोई बैग लावारिस मिला तो उसकी जिम्मेदारी रेलवे नहीं लेगा।
सालों की प्रैक्टिस चाहिए बरखुरदार। हाँ जानते हो तुम्हें टीवी पर होना चाहिए, बस ऐसे ही कह रहा हूँ। अच्छा हाँ। हेलो केट, केट मेरी बात गौर से सुनो। नहीं नहीं कोई सवाल नहीं, सिर्फ मेरी बात सुनो। कार में बैठो और सबको लंदन से जितनी दूर ले जा सकती हो ले जाओ, जितना तेज ड्राइव कर सकती हो उतनी तेज ड्राइव करो। नहीं नहीं देखो डैड, डैड इस वक्त मेरे साथ बैरियर पर हैं। कुछ मत पूछो, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो केट। सुनो सुनो, डैड शुरू से सही थे। गुड बाय। मेरी बेटियों का पता लगाओ, अब वो सिनेमा हॉल से निकलने वाली होंगी। पेनी तुम भी अपने घर फोन कर लो। ओके मैडम। मैं ऐसा समझता था कि इमरजेंसी सर्विसेज तब पहुंचेंगी जब कम से कम 12 घंटे पहले भयानक बाढ़ की चेतावनी दी जाएगी। हमारे पास मुश्किल से 3 घंटे हैं, आप लोग आखिर कर क्या रहे थे? जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंचेगी हर जगह दहशत फैल जाएगी। बड़ी लहर बैरियर को टक्कर मारे उससे पहले हमारे पास 3 घंटे हैं। हम ट्रेन कब तक चला सकते हैं? पानी के टकराने से पहले हमें सारी लाइंस खाली करानी होंगी। लेकिन उससे पहले हमारे पास 2 घंटे बचे। उससे कम, 6:20 तक सुरंगें खाली करवानी है, लगभग 5 बजे तक हमें सारी अंडरग्राउंड ट्रेन्स बंद करनी होंगी। 5 बजने में मुश्किल से 1 घंटा बचा है, हर जगह भीड़ भाड़ शुरू हो गई होगी। देखिए ट्रेन्स को डिपोर्ट से जाना होगा, स्टाफ को लेकर स्टेशन बंद करने होंगे। कम ट्रेन्स का मतलब है हम कम यात्रियों को शिफ्ट कर रहे हैं। ये खबर फैल गई तो लंदन से बाहर जाने के लिए स्टेशन लोगों से भर जाएंगे। जो ट्रेन जाने के लिए तैयार होगी वो अगले स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही भर जाएगी। ठीक है, आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी होगी। अभी पता चला है कि इमरजेंसी मैनेजमेंट कमेटी को ब्राउन। ठीक है, सरकार की सलाह है कि जिनके लिए मुमकिन है वो शहर छोड़कर जा सकते हैं और इसमें जरा भी विलंब ना करें। चलो 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 कोशिश रहे कि ऊंची जगहों पर जाएं। तुम पहली बार आ रहे हो ना, ये रास्ता बिल्कुल गुफा जैसा है। मैं भी यही सोच रहा था। तुरंत गेट बंद करना शुरू करो। जी अभी करता हूँ। फ्रैंक को बताना कि अब मैं मशीन रूम की तरफ जा रही हूँ। जी मैडम। प्रधानमंत्री जी को बताने के लिए मुझे स्थिति की ताजा जानकारी चाहिए। बैरियर को बंद करना शुरू कर दिया गया है और जगह खाली करवाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सर, ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने कम समय में लाखों लोगों को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी है। हमें सबको समझाना पड़ेगा। इस इलाके को छोड़ दीजिए प्लीज, आप लोग कहीं और चले जाइए। अगर आप नदी के आसपास कहीं भी रहते हो तो आपको इंतजार करना होगा। पीछे हटो, हटो पीछे, हमें जाने दो। क्या कर रहे हो? गेट और सिल के बीच की जगह घटकर 75 मिलीमीटर हो गई है, हम अपने लक्ष्य पर पहुंचने वाले हैं। गेट का फोन नहीं लग रहा। मेरी उससे बात हुई है, सब ठीक है। सैम, क्या हमें इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा? समय बिल्कुल नहीं है। फ्रैंक और कुछ कलीग्स जाने से मना कर रहे हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाली। कृपया जगह खाली करिए और आप सबसे नजदीकी इमरजेंसी एग्जिट से निकल जाइए। पापा, कृपया जगह खाली करिए और आप सबसे नजदीकी इमरजेंसी एग्जिट से निकल जाइए। चलो बेटा यहाँ से चलते हैं। कृपया जगह खाली करिए और आप सबसे नजदीकी इमरजेंसी एग्जिट से निकल जाइए।
प्लीज जैसा सैनिक कह रहे वैसे ही करिए, आप सबके भले के लिए ही कह रहे हैं, तो प्लीज जैसा सैनिक कहे वैसा ही करिए। वो सभी स्कूल जो खतरे के इलाके में आते हैं उन सबको खाली करवाने में लगभग 45 मिनट लग जाएंगे, मतलब ये कि शायद हम क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल तक समय पर ना पहुंच पाए। वहां पर मरीजों की तादाद लगभग 2000 तक पहुंच चुकी है सर। ये कुछ देर पहले आया मैडम। सफेक्स का समुद्री तट आधे घंटे पहले। पहले स्कूलों को खाली करवाओ। हर तरीके ये बिल्कुल एक मशीन की तरह लग रहा है ना? हाँ वैसा ही कुछ। ठीक है बरखुरदार, अब ऊपर जाओ। मैं ही ऊपर क्यों जाऊं? क्योंकि मैं मोटा हूं। तुम बहुत ही चालू हो बिल, तुम यहां काम करते हो ना? यहाँ ऊपर बहुत गंदा है बिल। हाँ पता है। इन ज्वार भाटे के आंकड़ों को देख लीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरी कमिश्नर नाश से बात करवाओ। हेलो सैम। मैडम हमें कुछ और नई जानकारी मिली है। बड़ी लहर का आकार बढ़ रहा है और वह 4 से 6 मीटर की ऊंचाई से एस्चुरी की तरफ बढ़ रही है। हमारे पास कितना समय है? कुछ ही पलों में वो हमसे टकराने वाली है। सैम बैरियर से ली गई सारी वीडियोस फौरन मुझे भिजवा दो। अरे बाप रे। सर ये जल्दी क्यों नहीं खुल रहा? आवाज कैसी है? चलो यहां से बाहर चले। फ्रैंक हमें जल्दी निकलना होगा। बाकी होगा क्या होगा? मेरे कुलीग्स प्रोफेसर मॉरिसन कहाँ हैं? हमें ऊपर चलना चाहिए। नहीं चलो, नहीं हमारे पास वक्त नहीं है। हाँ वो ठीक है, हम कोबरा 2 पर। मेरी बेटियों का पता चला? मैंने उनके फोन्स पर यहाँ के सभी नंबर्स के साथ मैसेज छोड़ दिया है। जैसे ही वो हमारे संपर्क में आएंगी हम सबसे पहले उनको आपके पास ले आएंगे। जैसे ही तुम्हें स्कूल और अस्पताल की स्थिति के बारे में पता चला मुझे खबर कर देना। जी। तुमने कुछ सुना? नहीं मैंने कुछ नहीं सुना दोस्त। मैंने भी। हेलो कंट्रोल,
कंट्रोल जवाब दो। नहीं चल रहा, फोन करना पड़ेगा, पता लगाओ क्या हो रहा है। मुझे नए आंकड़े और ताजा जानकारी चाहिए, टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे पिक्चर्स दिखाओ। जल्दी करो, हमें उस पार्टीशन तक पहुंचना होगा। रॉब, प्रोफेसर मॉरिसन, फ्रैंक कहाँ है? डैड, आप ठीक तो हैं डैड? अगर हम यहाँ पर रुके तो हम मर जाएंगे। आइए डैड। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, माफ करना, मैं नहीं आ सकती। सैम, ये टूट रहा है, हमें कूदना होगा। संभाल के आ जाइए, मेरा भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रॉब, ये पागलपन है। दो, तीन। ये वीडियो उसी वक्त चलाकर देख लेना चाहिए था। कुछ और वीडियोस आए हैं। हमें वो मिल गया सर। ये क्या? क्या तुम उसे और पास ला सकते हो? ये आदमी कौन है? ये आदमी नाइट विजन ऑन करो। ओके मैडम। ये तो प्रोफेसर मॉरिसन है, उन्हें ऑफिस में लेकर आइए जितनी जल्दी हो सके। उन्हें फौरन लेकर आओ। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट किसी और काम में लगे हुए हैं। तो फिर एक सिविलियन एयरक्राफ्ट मंगवा लो इसी वक्त। यस मैडम। नहीं प्रोफेसर, ये क्या हो रहा है? मुझे उस बैरियर सिग्नल का बैकअप चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि वहाँ हो क्या रहा है। सर, हम ये ले आए। बढ़िया मैडम, मैडम आप इसे देख लीजिए। कोबरा 2 सर्च एंड रेस्क्यू 4, आप जिसे ढूंढ रही थी वो मिल गया है। तैयार रहो, चलो चले। कोबरा 2 सर्च एंड रेस्क्यू 4, हम आ रहे हैं। रुको, नहीं उसे रुकने को बोलो, वहां और भी दो लोग हैं। नहीं प्लीज, मेरा बेटा वहां नीचे है, वो कूद गया था। कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। आई एम सॉरी। मुझे नहीं लगता। घबराओ मत, बाव हमें वहां तक ले जाएगा। तुम ठीक हो? मैं ठीक, तुम्हारे पीछे रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, समझी? जाओ। मुझे ताजा आंकड़े चाहिए, टिलबरी से लंदन ब्रिज तक। कमिश्नर, इस वक्त हालात कैसे हैं? सर, हम कोशिश कर रहे हैं, स्थिति ऐसी है कि इसकी तुलना न्यू ऑर्लीन से भी नहीं कर सकते। सर, मुझे इस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। असल में मुझे सिक्योरिटी सिचुएशन की चिंता है,
इस पर साइन करने से मिलिट्री को कुछ अधिकार मिल जाएंगे। हमें चाहिए कि ऐसे वर्तमान आपातकालीन स्थिति में मिलिट्री का फैसला ही आखिरी फैसला हो। क्या मुझे वो अधिकार चाहिए? हवाई बचाव से कोऑर्डिनेट करने के लिए मुझे हजारों लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाना है और मैं वो बिना मिलिट्री की मदद के नहीं कर सकती। सारे ट्रांसपोर्ट सारे वाहनों को कोबरा का हुक्म मानना ही होगा। कोबरा के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन बचाव में लगे सारे कार्यकर्ताओं इमारतों सरकारी सामान को सुरक्षित रखना। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे कि सुरक्षा का ध्यान रखना भी कोबरा के कंट्रोल में हो और कमिश्नर नैश उनको पूरी तरह से मिलिट्री सहायता दी जाएगी जैसे कि हम सबकी सहमति हुई। मैं प्रोसीजर को बदलना नहीं चाहता सर, पर अगर जनता बेकाबू हो गई तो मुझे उसके अनुसार कदम उठाने होंगे। हाँ लेकिन अगर हमें जिंदगियां बचानी है तो मिलजुल कर काम करना होगा। सारे इलाकों को खाली करवाने में आपको कोबरा के अंतर्गत काम करना होगा और कमिश्नर नैश को जवाब देना होगा। जी सर। मेरे सहयोगी ऑफिसर कहाँ है? वो आपके पीछे है मैडम। ये तो नॉर्दर्न लाइन के लिए एक पुराना ट्रांसफार्मर है। नहीं चल रहा। जरा ऊपर चढ़कर देखो, यहां से बाहर निकलने का रास्ता है क्या? अरे वाह, एक सीढ़ी। एक मिनट, जरा टॉर्च पकड़ना, मैं चेक करता हूं। वैसे तुम्हें इस पैटर्न के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं बरखुरदार। तो बिल, तुम इस बारे में किसी सीनियर से बात क्यों नहीं कर लेते? यहां से निकलते ही कर लूंगा। अरे ये तो बंद है। पता नहीं मुझे बार बार ये ख्याल क्यों आ रहा है कि मेरे जैसा स्मार्ट बंदा तुम्हारे जैसे गवार के साथ यहां कैसे फंस गया। अब क्या होगा? है कोई जवाब? मैडम क्या हुआ? आपकी बेटियों ने काफी पहले मैसेज भेजा था, हड़बड़ाहट में हमने देखा नहीं। पिक्चर के बाद वो शहर में अपने दोस्तों को मिलने जाएंगी। शहर में? इतने बड़े शहर में हम कहाँ ढूंढेंगे? मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगी। क्लेयर, ये मैं हूँ। मैं तुम्हें कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज मुझे जल्दी फोन करो, तुम कहाँ हो? दरवाजा मत खोलना। दरवाजा खोलो।
दूर हटो। दरवाजा खोलो। हमें बिजली के मेन स्विच इसी वक्त बंद करने होंगे, डेपफोर्ड, कैनिंगटन, कैम्बरवेल और बर्मनसी में। अस्पतालों की हालत तो बहुत ही खराब है, क्योंकि उन्हें खाली करवाना सबसे मुश्किल काम है। सही कहा, अगर हम इस काम को ना करें तो हमारी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। सुरक्षित निकाले गए लोगों के आंकड़े। राज परिवार की क्या स्थिति है? मैडम, उन्हें बाल मॉरल में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है ये जानना जरूरी है कि हम कितने समय में कितना काम कर रहे हैं। मैडम, तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पानी आते रहने के लिए बड़ी लहर का वेग ही काफी है। स्थिति और भी बदतर होती जा रही है, इससे समस्या और बढ़ रही है। नेट ऑफिस के आंकड़े देखकर तो हालत खराब हो रही है, क्या ये डेटा सही है? मैंने इस तरह की घटना कभी नहीं सुनी है। ऐसा तूफान हजारों साल में एक बार आता है। मेरे हिसाब से ये ताजे आंकड़े एकदम सही हैं। हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि आगे और कितना नुकसान कर सकता है। अगर इस लहर की गति एक घंटे तक ऐसी रही तो मेरा अनुमान है कि पूरा का पूरा सेंट्रल लंदन पानी में डूब जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे। 2 घंटों में हम क्या क्या बचा सकते हैं? हम जितनी भी मेहनत कर लें फिर भी सबको बाहर नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमें अपना ध्यान दक्षिणी पश्चिमी इलाके को खाली कराने की कोशिश में लगाना चाहिए। हमें अपने ज्यादा से ज्यादा सैनिक और आपातकालीन कार्यकर्ताओं को इस इलाके में तैनात करना होगा। ठीक है, लेकिन हम दक्षिणी पूर्वी के सारे बरामदे के सभी लोगों को खाली करवाएंगे, बर्मनसी को, ल्यूशियम को भी। जिस तरह से ये बढ़ रही है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। पहले हमें क्या करना चाहिए? दक्षिण पश्चिम इलाके पर ध्यान दो मिस्टर ब्रिटमैन। ठीक है, अगला कार्यक्रम 15 मिनट बाद बताया जाएगा। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, सब कैंसिल कर दो। मुझे तो ये ट्रेन की आवाज लग रही है। मतलब ट्रेन फिर से शुरू हो गई? मर गए। ये क्या है? क्या टेम्स नदी से आ रहा है? ये है क्या? ये जो भी है हमें भागना चाहिए। चलो, हिम्मत रखो, घबराने से कुछ नहीं होगा। भागो। मैं जितना तेज भाग सकता हूँ भाग रहा हूँ। बिल को देखो। इस मुल्क ने ऐसी तबाही आज तक नहीं देखी। 2000 से ज्यादा लोगों का अब तक कुछ पता नहीं है और आपातकालीन सेवाएं भी अब ना के बराबर हैं।
यहाँ इस तरह से। प्रोफेसर, क्या आप ठीक हैं? पैट्रिशिया नैश। मुझे यहाँ क्यों ले आए? हमें आपकी मदद चाहिए सर। मेरी मदद? मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। आप वहाँ जाकर उसकी कोई खास मदद नहीं कर पाएंगे, हमारी मदद से उसकी मदद भी हो जाएगी। इस मुल्क में ऐसी तबाही। आपका बैरियर ब्रिज मॉडल कहाँ है? उससे हमें मदद मिल सकती है। हमें देखना है आपके अनुमान के अनुसार इस बार में कितना नुकसान होगा। अब इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, फायदा होगा। अब भी लाखों लोगों की जान खतरे में है। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर में है, अगर वो अब भी काम कर रहा हो तो। हम आपके लिए और कुछ कर सकते हैं प्रोफेसर? मुझे अपने बेटे रोब को ढूंढने की जरूरत है। वो देश का सबसे अच्छा मरीन इंजीनियर है। उसकी कंपनी को बैरियर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और सामंता मॉरिसन बैरियर ऑपरेशंस के इंचार्ज है, है ना? मेरा बेटा डिफाइंड का सीईओ है। डिफाइंड? हाँ, डिफाइंड उसकी कंपनी का नाम है। बैरियर ज्यादा दूर नहीं है, वो जमीन से काफी ऊपर है। ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद। हो सका तो हम उसे ढूंढ लेंगे। कमिश्नर, इन सब में देरी हो सकती है पर कोशिश तो करनी चाहिए। हम सिर्फ वहीं से बाहर निकल सकते हैं। मुझे लगता है हमें यहीं रुकना चाहिए। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मर जाओगे। जल्दी करो, इधर से आओ। जल्दी सैम, चलती रहो चलती रहो चलती रहो, पानी बढ़ रहा है। हम कब तक ऐसे ही चलते रहेंगे? लगभग 20 मिनट तक। बचाओ, कोई है क्या? अरे कोई है, बचाओ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, जल्दी करो। बोल रहा हूँ, खोलो जल्दी। संभाल के, आराम से संभाल के, उधर से। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? तुम लोग कहां से आए हो? बहुत लंबी कहानी है। वो ऐसा था जैसे बड़ी लहर छत से आ रही हो। ये सुरंग कभी भी ढह सकती है। मुझे डर है उससे भी कहीं ज्यादा कुछ बुरा होगा। चलो, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। रुको, संभाल के चलो, चलो, चलो। तुम ठीक हो? देखो कोई आ रहा है। जरा संभाल कर। क्या ये भी यही काम करते हैं? शायद ये हमारी मदद करें। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक ही है। ट्रेन नहीं आ रही है, हम यही इंतजार करेंगे। पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैं जाकर देखता हूँ ना, वहां देखना, मुझे याद दिलाना। आओ देखते हैं सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो, चेक किया तुमने? क्या पता लगा उस तरफ? स्टाफ ने यहां रखे हुए सब बिस्किट खा लिए, बस अब यही बचा है चाय और कॉफी। बेटियां बहुत स्मार्ट है मैडम।
बस एक बदलाव सारे अनुमान को हिला कर रख देता है। कीथ, इस ऐतिहासिक तूफान को मैं समझ नहीं पाया। कीथ, अपने आप को संभालो, हम सब ने इसे गलत समझा था। लोग हर रोज गलतियां करते हैं, लेकिन मेरी गलती जिंदगियां ले रही है, शायद हजारों में। ऐसा मत सोचो, किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। अभी हम जो भी करेंगे उसे मिलकर करेंगे। ठीक है, देखो शायद मुझे कुछ याद आ रहा है। मुझे किसी ने बताया था यहां से 50 से 100 मीटर नीचे दूसरी तरफ वहां एक सुराख है, अगर वहां पानी ना भरा हो तो हम सब वहां से निकल सकते हैं। जंग के दौरान हजारों लोग यहां आए थे और इन सुरंगों का आसरा लिया था। और हाँ, सरकार ने ये बड़े स्टील के विस्फोटक दरवाजे लगाए हैं, उन्हें बंद कर दिया है। विस्फोटक की वजह से उन्हें सील कर दिया है। वहां एक दरवाजा होगा। इस बिल्डिंग के नीचे उस जगह का मैप है, अगर हम वो ढूंढ लें और उसके मुताबिक चलें तो उस सुराख तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे और यहां से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तुम ठीक हो? शायद मुझे रास्ता मिल गया है। अच्छा, लगता है ये वही रास्ता है जिसके बारे में बिल बात कर रहा था। हाँ। बिल कहाँ है? लेफ्टिनेंट नैश, ताजा जानकारी है कि तूफान मुड़ गया है, वो दूर जा रहा है दक्षिण की तरफ। ये कोई बात नहीं है, अहम मुद्दा यह है कि इस लहर की ताकत कब कम होगी।
मैं भी यही कह रहा हूँ, न तूफान होगा न लहर। इस तरह की लहर अपनी ताकत बरकरार रखती है, वो भी काफी लंबे समय तक। अब कहना क्या चाहते हैं? ये हमारा बचा हुआ शहर भी बर्बाद कर सकती है। मतलब इसका भयानक रूप देखना अभी बाकी है? वो सभी लोग जो सुरक्षित जगहों पर हैं, बचाव दल को मिलाकर सभी खतरे में हैं। आपने देखा मिस्टर हॉपकिंस, वो सिर्फ दो लोग हैं, वहां अनगिनत लोग हैं जो अपनी अगली सांस लेने के लिए आपके सही अनुमान पर आश्रित हैं, जैसे कि हम। केट, तुम ठीक हो? पर ये बहुत ऊंचा है। आपको चढ़ना ही होगा, यहां आप ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। मुझे नहीं लगता मैं चढ़ पाऊंगी। आप ये कर सकती हैं, कर सकती हैं। हाँ, आप ये कर लेंगी। आप मेरे पीछे आते रहिए, आप आसानी से चढ़ जाएंगे, ठीक है? ये बेवकूफी है, हम में से एक भी फिसल गया तो। मेरी गणना के अनुसार यहाँ पानी 6 से 8 फीट गहरा होगा, यहाँ सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा। यहाँ से और यहाँ लोग जान बचाने के लिए ग्रीनविच पार्क या दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए इन सड़कों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इन कॉरिडोर्स को खाली कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ यही रास्ते हैं तो फिर जमीन पर ढूंढना और इन दूसरे इलाकों में बचाव कार्य करना बिल्कुल नामुमकिन है। मुझे और हवाई सेवा चाहिए होंगी। सारी वायुसेना पहले से ही तैनात है, सारे पायलट अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर चुके हैं, सब अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। मेरे पायलट्स ने ज्यादा काम नहीं किया है। अगर हमें सिर्फ इन्हीं से काम चलाना पड़े तो आप हमसे चमत्कार की उम्मीद मत करिए। एक मिनट, मुझे कुछ काम है। जॉनसन, संभाल लेना। सुनो, नीचे मत देखिए। घबराइए मत, बस मेरी तरफ देखिए। बस ऐसे ही चढ़ते रहिए, यहां से रास्ता है। क्या हो रहा है? जैक, मेरा हाथ पकड़ो। जैक, मेरा हाथ पकड़ो, कोशिश करो। फोन करता हूं। मैंने कोशिश की थी, नेटवर्क नहीं है। लाइन मिल गई।
हेलो हेलो, क्या आप कोबरा में मेरी बात करवा सकते हैं? हाँ, जरा फिर से बोलेंगे? हाँ समझ गया मैं, अभी उन्हें देता हूँ, आप उन्हीं से बात कीजिए। मैडम, हाँ, मुझे लगता है आपको इनसे बात कर लेनी चाहिए। ये क्लेयर और एमा है। क्लेयर, आई एम सॉरी। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। एक सेकेंड रुको, यहाँ कोई है जिनसे तुम बात करना चाहोगे, मैं उन्हें देती हूँ, ये लीजिए। प्रोफेसर मॉरिसन, डैड आप ठीक हैं? रॉब, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। रॉब, डैड, मैंने सोचा कि आप, हाँ मैं जिंदा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये तुम हो। तुम हो कहाँ? सेटल लंदन। भी तुम्हारे साथ है? हाँ, वो मेरे साथ है। रॉब, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम जाओ वहीं रहो, हम पता लगा लेंगे कि तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकाल लिया जाएगा। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी। मुझे सैम से बात करनी है, मेरी उससे बात करवा। सैम। प्रोफेसर मॉरिसन, आपकी आवाज़ सुनकर बेहद खुशी हुई। सुनो सैम, बैरियर के बारे में क्या तुम्हें लगता है वो अभी भी काम कर रहा है? शायद नहीं, मुझे नहीं लगता कि बैरियर फिलहाल काम कर रहा होगा। ऐसा कोई तरीका है जिससे हम उन गेट्स को हाथों से खोल सके? हाँ है, तो अगर अगर पानी के बहाव को नियंत्रित कर ले तो, पर मुद्दा यह है कि वहाँ तक पहुँचे कैसे? सैम, उसका एक ही तरीका है, बैरियर। डैड किस बारे में बात कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। लेकिन पहले हमें डिफाइंड पर मिलना पड़ेगा। ठीक है। जबकि बड़ी लहर अभी नदी के ऊपर से गुजर रही है, अगर हम बैरियर को नीचे कर दें तो ऊपर का पानी टेम्स नदी के मुख में चला जाएगा। इसके बाद हमें दबाव बढ़ाने की जरूरत होगी, जिसकी वजह से गति बढ़ जाएगी, जिससे लहर का स्तर गिर जाएगा। क्या आपके पास इसके लिए कोई रास्ता है? कोई ना कोई तो रास्ता होगा। मेरे ख्याल से हमें गेट्स खोल देने चाहिए, तभी हम बड़ी लहर को रोकने में कामयाब हो पाएंगे। सारे पानी को नदी के मुंह में जाने दो। हमें मेट ऑफिस से एकदम सही वक्त चाहिए होगा, ताकि सारा ऑपरेशन लहर का स्तर गिरने से ठीक ठाक हो जाए। अगर हम स्लूज गेट्स खोल देते हैं तो क्या हम बाढ़ में और पानी छोड़ने का काम नहीं करेंगे? बिल्कुल, लेकिन अगर तुमने सही वक्त पर बैरियर खोला तो जो पानी गेट से छूटेगा वो बड़ी लहर के विपरीत काम करेगा। जाती हुई लहर उससे एस्ट्यूरी में यानी टेम्स नदी के मुख में वापस डालती हुई जाएगी। हॉपकिंस, हॉपकिंस कहाँ चला गया? उसे फौरन बुलाओ। मैं कमिश्नर नैश बोल रही हूँ, वाटर वेस्ट मैनेजर को भेजो। बोलो। हमें अभी जाना होगा। मैं चाहता हूं तुम यही रुको और दूसरों का ख्याल रखो, समझे? तुम यहां सुरक्षित रहोगे, तुम्हें लेने कोई जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। थैंक यू। इसकी कोई जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखना सैम। हाँ। चलो सावधान रहना। हाँ हाँ। सर, पानी सुरक्षित बिंदु तक आ रहा है। पीने के पानी में कमी हो रही है। अगले 30 मिनटों में हमें पीने का पानी मंगवाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन एक बार एस्क्राफ्ट से जरूर बात कर लेना। ओ सुनिए, क्या आप थोड़ी देर में पीएम से बात करने वाली है? और अभी तक कितने लोग बाहर नहीं आ पाए? ताजे अनुमान के हिसाब से 2 लाख। सर, वो हॉपकिंस, क्या हुआ उसको? हमें उसकी लाश अभी मिली है। क्या, ऐसे कैसे? मुझे अंदाजा होना चाहिए था। ओह नो, मुझे माफ करना। ओह,
हम चाहते हैं कि आप स्थिति को समझें और उनके लिए प्रार्थना करें जो इस भयानक स्थितियों में भी दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं। अभी तो लंदन के लिए मौतों की गिनती का दिन शुरू हुआ है। बचाव दल पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं और हमें इसका डटकर सामना करना चाहिए। और बुरी हालत के लिए हमें तैयार कर रहे हैं। इतनी संख्या में जिंदगियों का जाना इस शहर ने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि लंदन जिंदा रहेगा और हम सब ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। कितना आसान है ये बातें करना, और हमें यहां कोई पूछने वाला भी नहीं है। किस सोच में डूबी हम? यहाँ सिर्फ जिंदगियां बचाने की वजह से ही आए हुए हैं। न जाने वहां कितने लोग मारे जा चुके होंगे। हम हार गए या मैं हार गई? जो इंसानी तौर पर हो सकता था तुमने किया। अनगिनत लोग तुम्हारी वजह से आज जिंदा हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। आपने तो वीडियो देखा है, ऐसे हालात में कौन बचेगा? मेरी बेटियां वहां बाहर हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहां हैं। आपका मॉडल बेशक कमाल का है, पर इस तूफान से निपटना नामुमकिन है। तुम्हारे मॉडल के कुछ भी बताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी भी तरीके से ये नहीं बता सकते कि जब पानी वाली दोनों शक्तियां मिलेंगी तो क्या होगा। इससे बहुत बड़ा खतरा है मैडम, और इसका वैसे काम करना जैसा प्रोफेसर सोच रहे हैं लाखों में सिर्फ एक बार होता होगा। प्रोफेसर, ये मॉडल मैंने सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें समय का मुद्दा भी शामिल है। मेरे ख्याल से मेरा प्लान कामयाब होगा। कंप्यूटर मॉडल्स पर अंधविश्वास नहीं, हमें इस मुसीबत में ला खड़ा किया है। कंप्यूटर मॉडल्स की बेखतरी? समय को लेकर क्या मुद्दा है? बैरियर पर लो टाइड सुबह 10:45 पर आती है। इसके काम करने के लिए हमें स्लूस गेट्स को ठीक 9:15 पर खोलना होगा। बैरियर गेट्स को नीचे करना होगा, इससे पहले कि स्लूस गेट का पानी वहां तक पहुंचे। प्रोफेसर, आपको मालूम है कि बैरियर अभी काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये सच है, लेकिन मैंने सैम से बात कर ली है। बैरियर को नीचे करने का एक ही रास्ता है, लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। बैरियर गेट्स को अगर नीचे नहीं कर सके तो स्लूस गेट्स का प्लान काम नहीं करेगा। हम लाखों जानों को दांव पर नहीं लगा सकते। ये तो पता नहीं कि हम स्लूस गेट खोल पाएंगे या नहीं, पर उसके खुलते ही लाखों गैलन पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा। अपनी बात पर आपको कितना यकीन है? मैं अपने बेटे और बहू को बैरियर पर भेज रहा हूँ, क्या तुम्हारे लिए जवाब काफी नहीं? मुझे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से बात करनी होगी। रिचर्डसन। जी मैडम। कैसा चल रहा है? सब तैयार है। खैर छोड़ो, मैं चाहता हूं कि हम दोनों बस साथ साथ रहे। चलो चले। जा रहे हैं मैडम,
ये उन लोगों की लिस्ट है जो लोग स्लूज गेट्स पर काम कर रहे हैं। तब भी 2 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ के इलाके में थे, और जैसे ही हमने सोचा कि कोई जिंदा नहीं बचा होगा, तभी हजारों लोग चैन की सांस लेते हुए हमें बता रहे थे कि हम जिंदा हैं। लाखों लोगों को अभी भी नहीं पता कि वो आज रात कहां सोने वाले हैं, लेकिन कम से कम अब लंदन चैन की सांस ले सकता है, क्योंकि वो शैतानी लहर जो शहर के ऊपर चढ़ गई थी अब दूर जाना शुरू हो गई है। मुझे आपकी इजाजत चाहिए, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री से बात कर चुका हूँ, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि यही एक रास्ता है। फिलहाल तो यही एक रास्ता है, मेरे ख्याल से कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये तरीका काम करेगा, लेकिन हमारी यही एक उम्मीद है। लेकिन जरूरी है कि सर, हमें फैसला चाहिए। सर, इसमें नाकामयाबी का खतरा ज्यादा है, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। सर, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें ये करना ही होगा। मिनिस्टर, मैं बैरियर पर खुद जाऊंगा। ठीक। सब लोग इस तरफ आइए, चलिए। चलो चलो, सब लोग उस तरफ जाओ, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो सब लोग। मैडम, क्या हुआ? बचाव दल और मोबाइल सर्च के द्वारा आपकी बेटियों को ढूंढ लिया गया है और वो सुरक्षित हैं। थैंक यू। मैंने अपनी बच्चियों को नहीं खोया। एक माँ को और क्या चाहिए। आपको देखकर खुशी हुई डैड। आओ वहां से जरा जोर लगाओ, कोई कसर मत छोड़ो, अपना हाथ बढ़ाओ जल्दी। कमांडर ब्रांच, अगर हम बैरियर को समय पर नहीं खोल पाए तो इस बर्बादी को झेलने की हमारी क्षमता खत्म हो जाएगी। 2 घंटे के अंदर ये कंट्रोल सेंटर भी अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मैं समझ गया मैडम। प्रोफेसर से बात करवाओ। अभी करवाता हूँ मैडम। प्रोफेसर। कमिश्नर। प्रोफेसर मॉरिसन, लहर तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको पूरा यकीन है? हाँ, ये नहीं रुकेगी। क्या फुलर से आपको कोई ताजा जानकारी मिली है? हाँ, हम सब आपके भरोसे हैं प्रोफेसर। मैं समझता हूँ, हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत खतरनाक है। मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे से ज्यादा बैरियर को कोई नहीं जानता, ये मेरा काम है। मैं किसी और को अपनी जगह नहीं लेने दूंगा। रॉ, मैं जानता हूं कि मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। ऐसा मत कहिए डैड। और ना ही एक अच्छा पति। नहीं डैड, नहीं। आप हमेशा काम में बिजी रहते थे, लेकिन आज मैं काम के मायने समझा हूं। सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। We'll be right back.
जहाँ खड़े हैं उसे बैकअप कंट्रोल रूम कहते हैं, और ये वो रूम है जहाँ हमें पहुँचना है। यहाँ पर पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम है जिससे हम बहाव पर काबू पा सकते हैं। समस्या ये है कि ये रूम पानी से भर जाएगा और शायद यहाँ पहुँचाने वाले सभी रास्ते भी पानी में डूब जाएं। आप हमें क्या बताना चाहती हैं? नदी के ऊपर के सभी स्लूज गेट्स खोल दिए गए हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें इस गेट को खोलने की जरूरत है ताकि हाइड्रोलिक पंप चल जाए और बैरियर खुल जाए, और अगर ज्यादा पानी बहा तो एंटी टेररिस्ट मोटर्स चालू हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो पानी के वापस जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। और ड्रेनेज सिस्टम तभी शुरू होगा जब हम कमरे को अंदर से अच्छी तरह से सील करते हैं। जो भी इस कमरे में जाएगा उसको तब तक हवा नहीं मिलेगी जब तक दरवाजा दूसरी तरफ से दोबारा खोला नहीं जाता, और इसमें मौत हो सकती है। इसमें बहुत खतरा है। ये पागलपन है, अगर वो कामयाब नहीं हुए तो हमें इसे उचित ढंग से करने की जरूरत होगी। तुम्हारी क्या सलाह है? सिर्फ एक ही तरीका है मैडम, बैरियर गेट्स को बम से उड़ा दिया जाए। हमारे पास ये अधिकार नहीं है। वो मुझ पर छोड़ दीजिए। सैम, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। इस बैरियर पर जो भी होता है वो मेरी जिम्मेदारी है और मुझे वो पूरी करनी। सैम, बात को समझो। अब फौज को ही कुछ करना होगा। यहाँ का सीनियर ऑफिसर होने के नाते ये मेरा फर्ज है। मुझे कुंडियों को खोलने में आपकी मदद चाहिए। मैं फैसला कर चुका हूँ। कमांडर, आप बहुत बहादुर आदमी हैं, लेकिन हम दोनों जानते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस बैरियर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और ये बात आपको पता है। सैम, नहीं सुनो। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। क्यों? जानती हो क्यों? कमांडर को वहां नीचे जाने के बारे में ज्यादा नहीं पता है। अब मुझे ही जाना होगा। सैम, हमारे पास सिर्फ यही मौका है। कहने का मतलब है कि तुम अपनी चीजें संभाल के रखो। प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे हवाई जहाज पूरी तरह से तैयार हैं। मैं दोहराता हूँ, ये समय फैसला करने का है। मेजर जनरल, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। बैरियर पर बचाव कार्य की ताजा स्थिति क्या है? इस वक्त ये बताना मुश्किल हो रहा है, हमें अभी भी बचाव दल से बात करने में दिक्कतें आ रही हैं। बस इतना ही बताना चाहते हो? मैं नहीं चाहता कि हमारे इस घटना से निपटने के तरीके पर और सवाल खड़े हो। हमने हर पल उस पर नजर रखी है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मेजर जनरल, इस वक्त अपने जहाज को जमीन पर ही तैयार रखो। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मुझे इसका कारण बताओ कि बचाव कार्य में देरी क्यों हुई? चाहिए। डैड, डैड, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए डैड, डैड।
कमिश्नर, प्रधानमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी। कमिश्नर, मुझे ताजा जानकारी चाहिए। बड़ी लहर का पानी नदी के ऊपर से अब भी जा रहा है। उनका वेग कम हुआ है लेकिन हमारा नुकसान बहुत ज्यादा, और चेल्सी, क्लैपहम, हैमरस्मिथ और पत्नी में बहुत से लोगों की जान गई है। और जो स्लूस गेट का पानी छोड़ा गया है इस लहर से टकराने के लिए? ताजा आंकड़े बताते हैं कि स्लूस गेट के पानी और इस लहर के टकराने में 30 मिनट से भी कम का समय है। ये काफी नहीं है कमिश्नर, तुम मुझे बहुत कम ऑप्शन दे रही हो। मैडम, बैरिया से कमांडर ब्रायंट लाइन पर हैं। ठीक है, यहाँ सिग्नल पैच हो रहे हैं। कमिश्नर नैश, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जब तक तुम मुझे कोई ठोस जवाब नहीं दे देते, प्रधानमंत्री जी और मिलिट्री का हम पर दबाव बना रहेगा। जहाज को टेक ऑफ करने और बैरियर को बर्बाद करने में हमारे पास 10 मिनट से भी कम का समय है। मैडम, प्रोफेसर मॉरिसन इस वक्त मैनुअल ओवरराइड सिस्टम में लगे हुए हैं, शायद उन्हें 10 मिनट से ज्यादा समय लग जाए। तुम मुझे सही समय बताओ। मैं नहीं बता सकता। तुम्हें पता नहीं कि वो कब वापस आएंगे? मैं ये कहना तो नहीं चाहता मैडम, पर प्रोफेसर मॉरिसन अब कभी वापस नहीं आएंगे। चलना चाहिए। इन गेट्स को खोलने में मेरी मदद करो। नीचे रख, अब ऊपर। नीचे हमने गेट्स पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसे ये खत्म हो जाएगा मैं बैरियर खोल दूंगा। मेरा विश्वास नहीं, मुझे सिर्फ 2 मिनट और चाहिए। प्रधानमंत्री जी, जरा 1 मिनट रुकोगे? मैं बैरियर पर जा रही हूँ। ठीक करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, हमें अभी जहाज को बैरियर पे ले जाने की जरूरत है, समय बहुत कम है। हाँ हाँ, जानता हूँ। प्रधानमंत्री जी, हमें आपका फैसला चाहिए। मेजर जनरल, तुम्हें बैरियर को बर्बाद करने की इजाजत देता हूँ। क्या? हमें जाना होगा, हमें इजाजत मिल चुकी है, हमें टेक ऑफ की परमिशन मिल चुकी है। सैम, तुम लोगों को वहाँ से तुरंत बाहर निकलना होगा। बहुत देर हो चुकी है मैडम, हमारा काम खत्म होने वाला है। अब बस कुछ ही पलों की बात है मैडम। मेरे पीछे आओ। कोबरा 2, हम बैरियर से सिर्फ कुछ मिनट की दूरी पर हैं। कमिश्नर नैश, क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री जी, मुझे कुछ मिनटों की मोहलत दे दीजिए प्लीज। सैम, गेट्स खुल रहे हैं, उन्होंने कर दिखाया। उन्होंने कर दिखाया, गेट्स खुल रहे हैं। उन्हें वापस बुलाओ एशक्राफ्ट। रुक जाओ, ध्यान से सुनो, बम मत गिराना। जी सर, समझ गया। Thank you.
क्या कर रहे हो तुम? चलो आगे बढ़ो आगे। हाँ उसका पता लगाओ पहले। आइए क्या उन्होंने तुम्हारे लिए ये छोड़ा है। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। मेरे डैड को घर ले जाओ।